नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका माथुर। आज एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण के साथ मैं मौजूद हूं। आज बात करने वाले हैं उस विधानसभा सीट की जहां का पर्यटन बहुत प्रसिद्ध है और साथ में राजनीति भी उतनी प्रसिद्ध है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बीकानेर विधानसभा सीट की। सत्तारूढ़ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता पीडी कल्ला पर फिर से दांव खेल दिया है और बीजेपी ने जेठानंद व्यास पर अपना दांव खेला है। अब बात करें यहां की जीत हार और जातिगत समीकरण की, तो 2018 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस के बुलाकी दास कल्ला यानी कि बीडी कल्ला और बीजेपी के गोपाल कृष्ण के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। कांग्रेस के खाते में लगभग 76,000 वोट आए थे और गोपाल कृष्ण को लगभग 67,000 वोट मिले थे। तब के चुनाव में बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट पर कुल 2,02,422 वोटर्स थे, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 1,06,000 के तकरीबन थी और महिला वोटर्स की संख्या 97,000 के तकरीबन थी। इनमें से कुल 1,56,115 वोटर्स ने वोट डाले थे। नाटो के पक्ष में 1,780 वोट गए। बीकानेर पश्चिम में एससी का दबदबा है। बात करते हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता बीडी कल्ला के बारे में। उनका राजनीतिक जीवन 1980 से शुरू हुआ था। 2008 और 2013 के चुनाव में ही उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो लगातार 5 बार यहां से मंत्री बनाए गए थे। उनको 2021 में 5वीं बार शिक्षा मंत्री बनाया गया था। अब बात करें बीजेपी प्रत्याशी जेठानंद व्यास की, तो 1.5 महीने पहले ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। कट्टर हिंदूवादी छवि होने की वजह से युवाओं में खासे प्रचलित है। पुष्करणा होने की वजह से मूल ओबीसी और एससी वर्ग पर पकड़ बहुत मजबूत है। हिंदू नववर्ष पर धर्म यात्रा निकाल करके भी काफी चर्चा में आ चुके हैं। अब देखना होगा कि कुल 5 बार के विजेता बीडी कल्ला को हराना कितना आसान और कितना मुश्किल होता है, या हिंदुत्व का कार्ड खेलकर जेठानंद व्यास पर जो बीजेपी ने अपना समर्थन दिया है वो वोट ला पाता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर से मिलती हूँ एक और विधानसभा सीट के साथ। नमस्कार।